दोस्तों हज़रत सदन साहब पर यह ज़ोरों कतार लंगर चल रहा है, जिसमें ज़ायरीनों के लिए लंगर तकसीम किया जा रहा है सभी के लिए यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, पूरा मैदान है ये, और ये मैदान में नीचे टेंट के नीचे यहाँ पर ये महफिल शमा का है, सामने कव्वाली होगी और तरावी की नमाज के बाद यहाँ पर प्रोग्राम। और दोस्तों एक चीज़ बता दें आपको, भीड़ ज़्यादा हो जाने की वजह से लोग पहले से ही यहाँ पर जगह घेर लेते हैं, इसलिए कहीं कहीं आप देख रहे होंगे लोग बैठे हुए हैं, अपनी पहले से जो है जगह यहाँ पर ले ली है उन्होंने। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह शरीफ के सामने, जो कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा लंगर यहाँ पर का आयोजन किया जाता है और तमाम ही ज़ायरीनों को यहाँ पर लंगर तकसीम किया जाता है और बाकायदा बिठाल के यहाँ पर सभी को लंगर खिलाया जाता है और जिसको जितना खाना है उतना खिलाया जाता है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक समुदाय को लेकर, यहाँ पर विशेष समुदाय को लेकर किसी लंगर खिलाया जाता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आते हैं सभी को यहाँ पर, और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि रात भर लंगर ये चलता है और उर्स के तीन चार दिन जो जितने भी दिन उर्स चलता है बराबर यहाँ पर लंगर तकसीम किया जाता है। Oh,
अगर तुम मूड बना के बैठो तो मैं भी बहुत मूड बना के बैठा हूँ। बस मैं सुकून और मैं हूँ, फिकर मत करना, वो भी लाए हो जो तुम सुनने बैठे हो। अल्लाह वो मेरे मौला, वो मेरे मौला, चार मिसल वक्त के साथ बदलना भी नहीं सीखे हैं, वक्त के साथ बदलना भी नहीं सीखे हैं, भोग रेखा के संभलना भी नहीं सीखे हैं, भोग रेखा के संभलना भी नहीं सीखे हैं। मेरे अल्लाह मेरी सांसों की हिफाजत करना, उसको बताना चाहूं यहाँ जितने मोमिन बैठे हैं, अल्लाह ताला जैसे मेरे सिर के बाल उतरे, अल्लाह ताला हर मोमिन के बाल उतरे। Thank you.